आधुनिक भारत के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे भारत में भू राजस्व व्यवस्था अर्थात ब्रिटिश काल जो था उसके अंतर्गत भारत की जो राजस्व व्यवस्था थी वो कैसी थी, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, ये टॉपिक है। इसके टॉपिक के अंतर्गत हम भू राजस्व व्यवस्था को देखेंगे। तो आप जानते हैं कि जो अंग्रेज द्वारा थोपी गई भू राजस्व व्यवस्था थी उसने भारतीय अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया, नष्ट कर दिया, कमज़ोर कर दिया, हीन कर दिया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऐसी व्यवस्था समझिएगा 1791 में इन लोगों ने ऐसी व्यवस्था चलाई। आप जानते हैं 1772 में जब वारन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बना था तो उसने कुछ सुधार किए, भूमि सुधार किए, कुछ वार्षिक योजनाएं चलाईं, वार्षिक सुधार किए, लेकिन वो नाकाफी थे। 1793 में लॉर्ड कार्नवालिस ने जो व्यवस्था की उस व्यवस्था से एक अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था थी उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिएगा होता क्या है कि जो ब्रिटिश शासन द्वारा जो भी सुधार किए गए वो जो कृषि की परंपरागत खेती होती थी उस परंपरागत सुधारों को इसने समाप्त कर दिया और तरीकों को समाप्त कर दिया। भारत में अब कृषि परंपरागत रूप से न करके बल्कि यहाँ पे जो उत्पादन किया जाने लगा वह इंग्लैंड में जो वहाँ की आवश्यकताएँ थी, औद्योगिक आवश्यकताएँ थी, उसकी पूर्ति के लिए भारत में उत्पादन होने लगा। समझेगा, जो वहाँ की मशीनरों को कच्चा माल चाहिए उसका उत्पादन भारत में हो रहा है। समझिएगा, इसकी जो कहानी है काफ़ी लंबी है और इसका प्रभाव ये भी दूरगामी है। ठीक है, देखिएगा, तो जो भू राजस्व है अर्थात लगान या कर है वो किस तरह से थी, जरा उस पर चर्चा करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं प्लासी के युद्ध के पश्चात 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ था और बक्सर का युद्ध हुआ था उसके बाद अंग्रेज़ों को बंगाल की दीवानी प्राप्त हो गई थी। आप जानते हैं 1772 में गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स आता है और उसने जो है भारत में फार्मिंग सिस्टम शुरू किया। फार्मिंग सिस्टम अर्थात इजारेदारी प्रथा। इजारेदारी प्रथा के अंतर्गत क्या किया जाता था, इसमें होता था कि जो अधिक बोली लगाता था उसे लगान वसूली का अधिकार दे दिया जाता था। समझिएगा, बोली लगाने वाले को अधिक से अधिक बोली लगाने वाले को लगान वसूली का अधिकार दिया जाता था। समझिए, ऐसे लोग आप समझ सकते हैं जो अधिक से अधिक बोली लगाकर अधिकार प्राप्त करेगा वो किसानों का शोषण तो करेगा ही। कोई भी अगर बोली लगाता है 5 लाख, उसके आगे कोई लगा दे 6 लाख, 7 लाख, तो उसको जो है ये अधिकार प्राप्त हो जाते थे। व्यापारी वर्ग क्या करते थे, अंग्रेज़ों को लगान देते थे, जो वार्षिक लगान हुआ करता था उसको देते थे और उसके बाद वह उसे किसानों से वसूलते थे। समझिएगा, वो किसानों से वसूलते थे। किस तरह वसूलते थे आप समझ सकते हैं, किसानों से वसूलेंगे। अगर 5 लाख सरकार को दे रहे हैं तो किसान से कम 7 लाख वसूलेंगे। इससे क्या हुआ, इससे किसानों का शोषण हुआ। उत्पादन अगर नहीं होता था, समझिएगा, अगर उत्पादन न हो तो क्या करते थे, किसानों के बर्तन तक उठा ले जाते थे। समझिएगा, जो भी होता था, पशु होते थे, जानवर होते थे, उनको उठा ले जाते थे। तो ये व्यवस्था जो है, ऐसी व्यवस्था हुई वारन हेस्टिंग्स काल में। रॉबर्ट क्लाइव ने हालांकि प्रतिवर्ष की व्यवस्था की थी लगान वसूलने का, जो दर था उसको प्रतिवर्ष के हिसाब से किया था, लेकिन वारन हेस्टिंग्स ने इसे 5 वर्ष के लिए कर दिया था। ठीक है, समझिएगा, हम जानते हैं कि जो लॉर्ड कार्नवालिस था उसने 1793 में एक अस्थाई भूमि बंदोबस्त की व्यवस्था की और ये जो अस्थाई भूमि बंदोबस्त था इसका प्रारंभ आप जानते हैं जॉन शोर इसके प्रणेता थे। आप ये बात अच्छी तरह से जान लीजिए। देखिएगा, जो अस्थाई भूमि बंदोबस्त था उसमें क्या किया गया, मैं आपको बताऊँ। अस्थाई भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत
जो लगान थी, लगान की जो दर होती थी उसे अस्थायी कर दिया गया, अर्थात ये कई वर्षों तक यही बनी रहेगी, ऐसी व्यवस्था कर दी गई। देखिएगा इसके प्रणेता आप जानते हैं, जानशोर थे, सर जानशोर जी इसके प्रणेता थे। और सर्वप्रथम जो अस्थाई बंदोबस्त था ये बंगाल में लागू किया गया, और बंगाल में कितने भाग पर लागू किया गया था हम जानते हैं कि ये बंगाल में लगभग, बंगाल क्या करके कह सकते हैं आप कि पूरे भारत के जो ब्रिटिश शासित भारत था जिस पर अंग्रेज़ों का अधिकार था, समझिएगा इसमें अंग्रेजी हुकूमत थी, उसके कुल 19% भाग पर यह अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया। और भारत के अगर देखें, अगर हम बात करें तो यह प्रमुख रूप से बंगाल, समझिएगा बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, उत्तर कर्नाटक जैसे क्षेत्रों में इसे लागू किया गया। इस व्यवस्था में क्या था कि जो भू राजस्व था ये सदैव के लिए ऐसा निर्धारित कर दिया गया। और आप जानते हैं यह जो अस्थाई बंदोबस्त किया गया था अंग्रेज़ों ने, इसे अंग्रेजी हुकूमत ने इसे जमींदारों के साथ किया, समझिएगा जमींदारों के साथ ये करार अंग्रेज़ों ने किया। इसमें क्या किया गया कि जमींदार को भूमि का स्वामी बना दिया गया, और शीघ्र ही ये जो व्यवस्था थी इसे जो है वंशानुगत भी कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा इस व्यवस्था को वंशानुगत कर दिया गया। इसमें लगान की दर क्या होती थी अब उससे बात करते हैं। देखिए जो लगान की दर हुआ करती थी उसमें माना जाता था, उसकी व्यवस्था की गई कि कुल उत्पादन का ध्यान रखिएगा लगभग जो 10/11 भाग होता था उस सरकार को दिया जाता था, जमींदार देते थे, और 1/11 भाग जमींदार स्वयं के लिए रखते थे, समझिएगा ऐसी व्यवस्था थी। 10/11 और 1/11 ध्यान रखेंगे। देखिएगा इस व्यवस्था के अंतर्गत अंग्रेज़ों ने एक नियम और बनाया था, सूर्यास्त कानून। सूर्यास्त कानून, सनसेट लॉ जिसे कह सकते हैं आप इंग्लिश में। तो सूर्यास्त कानून क्या था कि एक निश्चित तारीख जो होती थी लगान अदा करने की, अगर जमींदार उस निश्चित तारीख को सूर्य ढलने से पहले, सूर्यास्त होने से पहले अगर लगान चुकता नहीं करता, लगान को जमा नहीं करता, तो उसकी जो जागीर होती थी उसे नीलाम कर दिया जाता था। ठीक है, समझिएगा जमींदार इसकी लगान जमा नहीं करता था तो उसकी जागीर क्या होती थी, नीलाम कर दी जाती थी। जी हाँ दोस्तों, और दूसरी बात हम जानते हैं, देखिए जमींदार को ही क्या बनाया गया, भूमि स्वामी बना गया। अब जब जमींदार भू स्वामी बन गए तो इन लोगों ने क्या काम किया दोस्तों, इन लोगों ने मनमाना कर वसूले, मनमाना जितनी मर्जी होती थी उतना वसूलते थे। चूँकि जमींदार को ये अस्थाई बंदोबस्त प्राप्त हुआ था, वंशानुगत भी कर दिया गया था, इस कारण से लगान जो है यहाँ पर बड़ी मात्रा में किसानों का शोषण करने लगे। ठीक है, देखिएगा अस्थाई बंदोबस्त किसानों को क्या फ़ायदा हुआ, अंग्रेज़ों को क्या फ़ायदा हुआ, जरा उस पर चर्चा करते हैं। देखिएगा वास्तव में अंग्रेज़ जो है ये इनको जो है लगान जो होता था उस समय से मिलने लगा। ठीक है, और अंग्रेज़ों को भारत में एक सहयोगी मिल गए, सहयोगी, ध्यान दीजिएगा कि जमींदार जो है अंग्रेज़ों के सहयोगी हो गए। हम जानते हैं चाहे 1857 की क्रांति हो, इस क्रांति में आप जानते हैं कि जमींदार वर्ग ने क्रांतिकारियों का सहयोग नहीं दिया, बल्कि उनके दबाने हेतु, उनको दमन हेतु अंग्रेज़ों का साथ दिया। चाहे वो कुंवर सिंह हो, चाहे और नेता हो जो विद्रोही नेता थे, वो सारे के सारे इन गद्दार जमींदारों के, या कह सकते हैं अंग्रेज हितैषी जमींदारों के कारण गिरफ्तार हुए थे। ठीक है, और ये जमींदार जो है, कुछ जमींदार तो ऐसे थे जो कि 1947 तक किसानों के अंग्रेजी हुकूमत के सहयोगी बने रहे। ठीक है, देखिए यही बात हमने बताई आपको कि चाहे बिहार में आरा कुंवर, बिहार का जो आरा क्षेत्र था जहाँ कुंवर सिंह थे, उनका भी जो उनको पकड़ा गया था वो जमींदार वर्ग के लोगों के कारण ऐसा हुआ था। ठीक है, विद्रोहों को दबाने में जमींदार वर्ग जो है काफ़ी सहायता करते थे। ठीक है, विद्रोह क्यों होते थे ये भी जानते हैं आप। देखिए विद्रोहों का कारण था कि जो जमींदार होते थे, समझिएगा इनकी आय अधिक होती थी,
वहीं जो कृषक होते थे उनकी आय कम होती थी, और जब उत्पादन नहीं होता था तो यही जमींदार जो है कृषकों का शोषण करते थे, समझिएगा उनकी शोषण करते थे। इस कारण से धीरे धीरे भारत में एक अलग माहौल, अंग्रेज विरोधी माहौल भी शुरू हो गया, जिसका मुख्य कारण था इनकी राजस्व व्यवस्था, अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है, दूसरी बात करेंगे, अगर दूसरी व्यवस्था थी उसे कहते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। देखिए दोस्तों, जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी इसमें क्या है, रैयत से तात्पर्य होता है किसान, तो ये व्यवस्था जो है किसानों के साथ की गई। देखिए यह व्यवस्था 1792 के आसपास सबसे पहले कहाँ की गई, बारामहल जिला तमिलनाडु में है वहाँ पे की गई। ध्यान दीजिएगा, तमिलनाडु में बारामहल जिले में, ठीक है, तमिलनाडु, यहाँ पर यह व्यवस्था की गई थी सर्वप्रथम, और इसके प्रणेता माने जाते हैं कैप्टन रीट। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद ये व्यवस्था जो है लगभग 1820 में मद्रास में लागू की गई और 1825 में बम्बई में भी इसे लागू किया गया। ठीक है, समझेगा। अगर हम देखें पूरे भारत की बात करें तो ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है ये बंगाल के पूर्वी भाग में, असम में, कुर्ग में, मद्रास और बम्बई में भी लागू की गई। अगर हम इसके जनक की बात करें रैयतवाड़ी व्यवस्था के, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो थे। ये जो आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था है वो देखें पूरे ब्रिटिश भारत के लगभग 51% भाग पर, लगभग 51% भाग पर ये आपके रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। रैयत, आप समझे, किसानों को, कृषक को रैयत कहा जाने लगा था। अंग्रेज क्यों किए ऐसा, क्योंकि अंग्रेज जो है किसानों से सीधा संबंध स्थापित करना चाहते थे और चाहते थे कि उनको लगान समय से मिले, क्योंकि किसानों को, जमींदारों को जब ये लगान के साथ संबंध किए थे, करार किए थे, तो वहाँ पे जमींदारों को कुछ देना भी पड़ता था, सीधा किसानों से, रैयतों से करने पर इनका कुछ हिस्सा बच जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये जो इसकी दर हुआ करती थी रैयतवाड़ी व्यवस्था में, तो दर जो थी ये लगभग 33 से 51% तक होती थी। 33 से 51% मतलब कैसे होता था, देखिए दोस्तों, जो ख़राब ज़मीन होती थी वहाँ पे लगभग 33% तक टैक्स हुआ करता था, कर हुआ करता था। वहीं जो अच्छी भूमि होती थी, जहाँ उपज पैदावार अच्छी होती थी, वहाँ पर जो है जो कर की दर होती थी वो जो है होती थी लगभग 51%। ठीक है, अब समझिएगा, किसानों को यहाँ पर कुछ अधिकार दिए। अगर हम विशेषताओं की बात करें अगर, तो किसानों को यहाँ पर भूमि को बेचने की, गिरवी रखने की छूट दी गई थी। ठीक है, हम जानते हैं कि लगान नहीं देने पर किसानों की ज़मीन को भी क्या कर लिया जाता था, जब्त कर लिया जाता था। ठीक है, समझिएगा, किसानों ने जो बेचने की और गिरवी रखने की छूट दी थी उसका भी उनका कुछ उसमें फ़ायदा था। उसमें क्या था, अगर कभी भी किसान जो है वहाँ पर किसान की पैदावार नहीं होती थी खेतों में, तो किसान अपनी ज़मीन को गिरवी रख कर बेच कर कर अदा कर सकता था, इसलिए उन्होंने बेचने की और गिरवी रखने की छूट दी थी। अगर हम बात करें इनकी वसूली की, तो इनकी वसूली में कठोरता रखी गई, क्यों, क्योंकि वसूली करते समय पैदावार कम होने पर ये ज़मीन को गिरवी रख सकते थे। दर अधिक था, समझिएगा, दर अधिक था, और जब पैदावार ना हो तो ये लोग साहूकारों से ऋण लेते थे, और ऋण लेने पर कभी कभी ऐसा भी होता था कि ऋण न चुका होने के कारण, चुका पाने के कारण अगले वर्ष ये जब फिर से ऋण लेते थे, तो एक बार अगर जब फिर से कहीं दुर्भाग्य से फसल अच्छी न हुई, मौसम खराब रहा, अकाल पड़ गया, तो इनकी ज़मीन को किसान साहूकार जब्त कर लेता था। ठीक है, देखिएगा आगे बढ़ते हैं, अगर देखें तो इसका उद्देश्य हुआ करता था कि अब क्या है कि किसान जो अंग्रेज हैं इनको जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को लगान जो है समय से प्राप्त हो जाएगा। समझिएगा, लगान देने के लिए किसान क्या करेंगे, या तो पैदा करेंगे या तो ऋण लेंगे, पैदा करें चाहे ऋण लें, इससे किसानों को लगान तो प्राप्त होगा, भले ही किसान इस प्रक्रिया के अंतर्गत भले ही साहूकारों के चंगुल में फंस जाता था। ठीक है, समझेगा, रैयत किसान सोचते थे कि इससे स्थिति अच्छी हो जाएगी, लेकिन नहीं, इससे स्थिति अच्छी नहीं हुई। क्यों, क्योंकि इससे जो है किसान जो है धीरे धीरे साहूकारों के चंगुल में फंसने लगा। ठीक है, उनकी भूमि जो होती थी वो साहूकार
कब्जा करने लगे। ठीक है, समझिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगला, तो वो है महालवाड़ी व्यवस्था। तीसरी व्यवस्था है महालवाड़ी व्यवस्था की। देखिए, महाल का अर्थ होता है महल या गांव। ठीक है, महल या गांव। तो ऐसी व्यवस्था जो महल या गांव के साथ की गई, गांव के जो जमींदार हुआ करते थे, जागीरदार हुआ करते थे या प्रधान हुआ करते थे, उनसे यह किया गया। ठीक है, समझिएगा। जैसे जैसे कोई गांव है, मान लीजिए हमारा गांव है झूसी है, और झूसी में अब यहाँ पे पूरे गांव से ये लगान लेने की बात कही जा रही है, और इसमें मान लीजिए ले लिया जाता है मुखिया से, करार कर लिया जाता है कि 3 लाख देना है आप लोगों को, और सभी लोग इसमें क्या होता था, गांव के सभी किसान मिलकर इसमें जो है टैक्स देते थे एक साथ। अगर हम बात करें महालवाड़ी व्यवस्था के जनक की, तो ये देखिएगा, यह व्यवस्था जो है 1819 के आसपास भारत में आई, और हार्ट मैकेंजी जी महालवाड़ी व्यवस्था के जनक माने जाते हैं। 1819 में इन्होंने इस व्यवस्था को प्रारंभ किया। देखिएगा, महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत जो होता था, इसमें जो दर होती थी लगान की, वो लगभग 30% तक होती थी। समझिएगा, 30%। और जो प्रमुख क्षेत्र थे इसके, वो थे आगरा, अवध, ठीक है, मध्य प्रांत और पंजाब। ठीक है, समझिएगा, ये प्रमुख प्रांत थे यहाँ के। अगर हम देखें तो गांव का मुखिया या महल, इनके साथ शर्त या करार किया जाता था। समझेगा, गांव के सभी लोग समय से लगान दे देते थे। अगर जो समय से लगान नहीं देता था जो किसान, तो उसकी ज़मीन क्या हो जाती थी, जब्त कर ली जाती थी। और हालांकि किसान कोशिश करता था कि वो अपनी ज़मीन को बेचकर या गिरवी रखकर किसान अपना जो लगान है वो उसके अदा करें। ठीक है, समझिएगा। तो महालवाड़ी व्यवस्था की अगर हम बात करें, तो ये व्यवस्था जो है यह भी ठीक थी। मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों का इसमें था कि वो अधिक से अधिक किसानों का शोषण कर सकें, समय से लगान प्राप्त कर सकें। अगर हम महालवाड़ी व्यवस्था की बात करें, कि भारत के लगभग 30% भाग पर लागू हुई। ठीक है, जो ब्रिटिश भारत का क्षेत्र था उसकी बात कर रहे हैं, जो ब्रिटिश भारत का क्षेत्र था उसके 30% भाग पर यह महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। अगर हम देखें, एक निचोड़ देखें, तो जो अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महालवाड़ी बंदोबस्त की बात करें, तो आप देखेंगे कि जहां अस्थाई बंदोबस्त आप देखिएगा 19% भाग पर थी ब्रिटिश भारत के, वहीं रैयतवाड़ी 51% भाग पर, जबकि महालवाड़ी व्यवस्था जो है ये 30% भाग पर थी। अर्थात जो ब्रिटिश भारत का क्षेत्र था उसमें ये व्यवस्थाएँ अलग अलग क्षेत्र में थी। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं इसमें कर की दर कितनी थी, कर कितना था, कितना, तो आप देखे थे कि जो अस्थाई बंदोबस्त था इसमें जमींदार जो होते थे 10% 10/11 भाग जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को देते थे, और 1/11 भाग जो है वो स्वयं रखते थे। वहीं रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत 33-50% तक का कर रखा गया, जबकि महालवाड़ी व्यवस्था में 30% का कर रखा गया था। इसमें जो है क्या हुआ था, वसूली का अधिकार किसे दिया गया था स्थाई बंदोबस्त में, तो हम जानते हैं वसूली का अधिकार जो है इसमें जमींदारों को दिया गया था, जबकि रैयतवाड़ी व्यवस्था में कृषक थे, रैयत थे, जबकि महालवाड़ी व्यवस्था में गांव या प्रधान से ये संबंध स्थापित किए गए थे। ठीक है जी, हाँ दोस्तों, तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।